हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। ये है एक सेठ और सेठानी की स्टोरी। आप रेडी हो सुनने के लिए? स्टोरी के एंड में मैंने आपसे एक मोरल पूछना है, तो आपने बड़े ध्यान से स्टोरी को सुनना है, ओके? तो स्टोरी में क्या होता है, एक सेठ सेठानी है, उनके पास इतना पैसा है, इतना धन दौलत है कि उनको समझ नहीं आता है कि वो उसको यूटिलाइज कैसे करें। अब वो दोनों रात को सोने के लिए रेडी हो जाते हैं, बिस्तर पे बैठते हैं वो दोनों और बातें कर रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हम क्या करें। उनके पास बच्चे भी नहीं थे तो हम इस पैसे का क्या करें। वो कह रहे हैं कि जो राजा है, मंत्री हैं, सभी मतलब पैसे को छीनने की कोई ना कोई कोशिश, कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे हमसे अधिक से अधिक पैसा छीन सके। हमें चोरों का हर टाइम डर रहता है कि कोई चोर ना आ जाए पैसे लेने के लिए, हमें जान से ना मार दे। पर वहाँ पे क्या है, चोर बैठा है और वो उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तो दोनों की बातें कंटिन्यू रहती हैं, तो सेठानी भी कहती है कि टेंशन तो रहती है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको भी ये रहता है कि कब हम दोनों मर जाएं, कैसे भी हमें मार दें और हमारी जो धन दौलत है उसको हड़प लें, तो टेंशन तो बहुत है, अब इसका क्या करें। तो सेठानी कहती है ऐसा करते हैं, इस धन दौलत को हम दान कर देते हैं और दान करके हम चलते हैं काशी। तो सेठ इस बात के लिए रेडी हो जाता है। अब सोच रही हैं कि किस ऐसे अच्छे व्यक्ति को ये धन दौलत दी जाए जो उसका सही यूटिलाइज करे। अब ऐसा कौन हो सकता है, दोनों सोच विचार करते हैं। तो ऐसे में सेठानी के दिमाग में आता है कि हम ऐसा करते हैं, कल हम गुरुकुल चलते हैं, गुरुकुल में जो सबसे पहला व्यक्ति हमें मिलेगा हम उसे ये धन दौलत दे देंगे। अब चोर तो ध्यान से सुन ही रहा था उन दोनों की बातें, तो चोर ने सोचा कि चोरी क्यों करूँ और क्यों इन दोनों को मारूँ, तो जब ये अपनी धन दौलत खुद ही मुझे देने को रेडी है तो मैं ऐसा करता हूँ, गुरुकुल चलता हूँ और सुबह सबसे पहले जाकर मैं लाइन में खड़ा हो जाऊँगा और ये आके अपनी धन दौलत मुझे दे देंगे, तो मैं तो मेरे को तो चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं पूरी प्रॉपर्टी का इनकम मालिक बन जाऊँगा। अब ऐसा विचार करके जो चोर है वो वहाँ से निकल जाता है। सुबह सेठ सेठानी तैयार होते हैं, चोर भी रेडी हो जाता है गुरुकुल जाने के लिए, और गुरुकुल जाकर वो गुरुकुल के द्वार पर पहले नंबर पर जाकर जहाँ से द्वार शुरू होता है वहाँ पर वो खड़ा हो जाता है, और एक खड़ा होता है चोर, खड़ा हो गया उसके पीछे एक दो तीन करके ऐसे 10-15 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं लाइन में, सभी लगे हुए हैं पंक्ति में। अब ऐसे में सेठ सेठानी भी आ गए। अब दोनों देख रहे हैं कि ये तो काफ़ी व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने पीछे से पहले व्यक्ति को पकड़ लिया, पहले व्यक्ति के पास हो गए। अब चोर ने देखा कि मैं तो गलती कर दी, मैं तो पंक्ति में सबसे आगे खड़ा था और अब मैं तो सबसे पीछे हो गया हूँ पंक्ति में, अब क्या किया जाए। उसको बहुत गुस्सा आया, उसको समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। और जो सेठ सेठानी थे वो जो पहला लास्ट कैंडिडेट खड़ा हुआ था लाइन में, सबसे पंक्ति में सबसे लास्ट था सेठ सेठानी, उसके पास गए और सेठ सेठानी की तरफ से वो पहला व्यक्ति बन गया। तो सेठ सेठानी उससे मिले और उसने कहा कि हम अपनी धन दौलत आपको देना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति था उसने पूछा कि आप अपनी धन दौलत मुझे क्यों देना चाहते हो भाई, क्यों देना चाहते हो। तो सेठ कहता है कि जो ये धन दौलत है ये मुसीबत का कांड बन गई है, हमारी ज़िंदगी का ये जंजाल बन गई है, हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति है वो कहता है कि आपको क्या मूर्ख लगता हूँ मैं, जब बाप की धन दौलत आपके लिए मुसीबत बन गई है तो इस मुसीबत को मैं अपने गले क्यों डालूँ, क्यों मैं इसको अपने गले में डालूँ, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता, आपको मैं मूर्ख लग रहा हूँ क्या, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे आपकी धन दौलत नहीं चाहिए। अब उसकी बात सुन के वो दूसरे व्यक्ति के पास गए जो दूसरे नंबर पर खड़ा था। सेठ सेठानी ने सभी से पूछा और सभी ने एक ही उत्तर दिया कि आपकी धन दौलत हम नहीं ले सकते, इस समस्या को हम अपने गले में नहीं डालना चाहते। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में वो चोर के पास पहुंच गए। अब चोर उनको कह रहा है कि अगर आप सबसे पहले आकर मुझे कहते कि ये धन दौलत ले लो तो मैं ले लेता, लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया है कि ये धन दौलत है जो माया है, ये मोह माया है, ये समस्याओं का कारण है, इसलिए मुझे भी ये धन दौलत नहीं चाहिए और मुझे इस जंजाल में मत डाली। और चोर ने क्या किया, ये चोरी करना छोड़कर वो भी उस गुरुकुल में रहना शुरू कर दिया। अब आप बताओ इस स्टोरी से क्या सीख मिली। इस स्टोरी से हमें सीख मिली है कि जो धन दौलत है वो एक जंजाल है, समस्याओं का
कारण है, इसलिए हमें धन दौलत के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। धन दौलत हमारी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करता है, हमारी ज़रूरतों के लिए हमें धन दौलत की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा धन दौलत हमेशा समस्या का कारण बनती है, ना हमें सोने देती है ना चैन से रहने देती है, इसलिए धन के पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी? अगर आपको पसंद आई है और नई स्टोरी सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।